हेलो एवरीवन, सेवा सोनी नमस्कार, प्रणाम। मैं हूँ विक्रम राव। स्वागत आप सभी का फिर से हमारे एक नए ब्लॉग में, देव भूमि उत्तराखंड के खूबसूरत शहर स्मार्ट सिटी देहरादून में। कैसे हैं आप सब लोग? उम्मीद करता हूँ स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे, और मैं भी मस्त हूँ। और आज के ब्लॉग की शुरुआत हो रही है हमारे माता रानी के चरणों से। आज हम आर के मारा टाटकाली मंदिर में, जो कि देहरादून में दिल्ली वाले रोड पर है। आई एस बी टी से कम से कम 7-8 किलोमीटर आगे है। तो यहाँ पे मेरे दोस्त ने एक छोटे से मन्नत मांगी थी और आज उसकी मन्नत पूरी हुई। तो हम माता रानी को थैंक यू बोलने के लिए आ रखे हैं स्पेशली इतनी दूर। तो मन्नत क्या थी, क्या पूरी हुई, आपको ब्लॉग में आगे बताऊंगा मैं कि दोस्त का जो मन्नत थी वो पूरी हुई। और माता रानी सच में इतनी शक्तिपीठ है कि कोई भी यहाँ पर आता तो खाली हाथ नहीं जाता। तो दोस्तों फिलहाल आपको माता रानी के दर्शन करवाते हैं। तो दोस्तों, जो दोस्त ने एक छोटी सी मन्नत मांगी थी माता रानी से, और माता रानी ने वो पूरा किया। और हमारी जो पूजा है वो मेन मंदिर में हो चुका है। माता रानी की जो मेन मूर्ति है वो इस साइड है, यहाँ पे है, और ये बैक साइड में है। माँ काली को समर्पित इस मंदिर को मनोकामना सिद्ध पीठ के नाम से भी जाना जाता है। माँ डाट काली का मंदिर देहरादून आईएसबीटी से लगभग 7 किलोमीटर की दूरी पर मौजूद है। इस मंदिर की विशेषता ये है, यहाँ पर एक दिव्य ज्योति है जो सन 1921 से लगातार ही जलती रहती है। इस मंदिर के निर्माण के पीछे भी एक अनोखी कहानी है। कहा जाता है कि जब अंग्रेज दून घाटी में आ रहे थे तो यहाँ आने के लिए उन्हें सुरंग बनाने की ज़रूरत पड़ी। अंग्रेजों ने जब यहाँ सुरंग बनाना शुरू किया, इसी दौरान यहाँ पे मजदूरों को माँ काली की मूर्ति मिली। अंग्रेजों ने मूर्ति निकाली और फिर से काम शुरू किया। कहा जाता है जब से माँ काली की मूर्ति वहाँ से निकाली, तब से वहाँ का काम पूरा ही नहीं हो पाता था। दरअसल जब मजदूर पूरा दिन खुदाई करने के बाद दूसरे दिन वहाँ खुदाई के लिए आते थे तो वहाँ फिर से मिट्टी भर जाती थी। फिर माँ काली ने एक अंग्रेज इंजीनियर को सपनों में दर्शन दिया और उसे एक मंदिर बनाने को कहा। उसके बाद अंग्रेज ने वहाँ पर मंदिर बनाया सुरंग के पास, और वहाँ पर माँ काली की मूर्ति स्थापित कर दिया। आपको बता दें कि गढ़वाली भाषा में सुरंग को डाट कहते हैं, यही वजह है कि इस मंदिर का नाम डाट काली पड़ा। मंदिर का निर्माण 19 जून 1804 में हुआ था। नवरात्र में इस मंदिर में माँ काली के दिव्य दर्शन देखने को मिलता है, और जो भी भक्त यहाँ पे आता कभी निराश होकर नहीं जाते हैं। जो भी नया वाहन लाते हैं वो पूजा करने के लिए नया वाहन को डाट काली के मंदिर में ही लाते हैं। तो दोस्तों ये था डाट काली माता की पौराणिक कथा। तो गाइस, दोस्त के जो मन्नत पूरी हुई वो हम अभी माता रानी का जो शुक्रिया अदा करने के लिए आए थे, और जिसकी मनोकामना भी पूरी हुई थी तो हम अभी पार्टी करेंगे। तो भाई मतलब हमें पार्टी नहीं करा रहा, मतलब इतनी इच्छा पूरी हुई भाई की, और पार्टी के लिए देखो ना, सिर्फ ये मतलब अभी हुई थी इसकी मनोकामना पूरी। और क्या वैसे क्या हुई थी मनोकामना, क्या हुई थी, क्या इच्छा थी तुम्हारी? वो बोली नहीं जाती ना, बोली नहीं जाती नहीं, जब मतलब बोलते हैं ना कि जब इच्छा पूरी होती तो उसको बोलते हैं, बट नहीं बोलते, सारे नहीं बोलते हैं। तो यार गाइस सॉरी, मैंने कहा था कि इसकी जो मनोकामना थी भाई की, जो मन्नत थी वो पूरी हुई, और मैंने कहा था कि मैं बताऊँगा आपको, लेकिन इसका परमिशन नहीं है कि नहीं बताना है। तो शायद नेक्स्ट ब्लॉग में अगर भाई साथ में रहेगा तो शायद अब मैं कोशिश करूँगा आप लोगों को बताने का। तो दोस्तों जैसे हमारे जाने की तैयारी हुई वैसे बारिश लग गया, और ये देखो काफ़ी तेज़ बारिश होने लग गई है, और देखते कब तक बारिश बंद होती है यार, फिर निकलते हैं हम भी अपने कमरे की तरफ।
बारिश का रुकने का कोई संभावना नहीं है और यहाँ पे काफ़ी दूर भी है तो हमें लेट हो जाएगा, इसलिए हम ऐसे ही चलते भीगते भीगते बारिश का इंजॉय करते करते चलते हैं। गाड़ी कहाँ है हमारी? बारिश लगी काफ़ी ज़्यादा यार, भीग जाएंगे वैसे। आज का ब्लॉग इतना ही रखते हैं। आई होप आपको वीडियो पसंद आई होगी। प्लीज़ लाइक करें, कमेंट करें, शेयर करें और जो चैनल पर नए हों प्लीज़ सब्सक्राइब जरूर करें। मिलते हैं आपको बहुत जल्द नए ब्लॉग में, नई जानकारी, नए सुबह के साथ। तब तक के लिए जय माता दी।